हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो खबर है वो है कतर से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर देश में और हर पार्टी में ऐसे कुछ नेता होते हैं जो अपने वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए विवादित बयान दे देते हैं, क्योंकि उनको अपने वोटर्स की जो मानसिकता है वो पता होती है और वो ऐसे बयान देते हैं जो उनके वोटर्स को अच्छे लगें। तो दोस्तों, ऐसा ही मामला कतर से सामने आ रहा है। हाल ही में कतर में फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है और इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। फिलहाल जो सामने एक बयान आ रहा है वो कतर के इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर शफी अल हज़री का है। शफी अल हज़री ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो दोस्तों, प्रोफेसर अल हज़री का कहना है कि हमें दुनिया के लोगों को इस्लाम की तरफ आमंत्रित करना चाहिए, तो अगर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जजिया लगाना चाहिए। तो जजिया एक प्रकार का टैक्स होता है जो राजाओं महाराजाओं के समय में एक स्पेशल कम्युनिटी के ऊपर लगाया गया था। उस टैक्स के बदले उस कम्युनिटी को समाज में संरक्षण दिया जाता था। तो दोस्तों, प्रोफेसर अल हज़री ने कहा है कि जजिया को दोबारा से लागू किया जाए, जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते हैं उनके ऊपर जजिया लगाया जाए। उनका कहना है कि अगर कुछ लोग जजिया नहीं देते हैं, इस कानून को नहीं मानते हैं, तो फिर उनसे युद्ध किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह का विवादित बयान प्रोफेसर शफी अल हज़री ने दिया है। तो दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस बयान की निंदा हो रही है और इस बयान को सारे मुसलमानों की सोच से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सारी दुनिया के मुसलमान प्रोफेसर अल हज़री के इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सभी मुसलमान इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं और प्रोफेसर को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था।